नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। जिला अधिकारी पुलकित खरे के निर्देशन एवं नेतृत्व में रसखान प्रेक्षागृह में मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा लोन मेला पंजीकरण का आयोजन प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है तथा 30 सितंबर को पात्र लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत पत्र प्रदान किया जाएगा। इस मुद्रा योजना मेले का एकमात्र उद्देश्य जिले में उद्यमिता के द्वारा रोजगार बढ़ाना है, जिससे जिले के छोटे उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा एवं रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने बताया कि प्रशासन की नई पहल के अंतर्गत एक सप्ताह में पात्र व्यक्तियों को मुद्रा लोन प्रदान किया जाएगा। यहाँ रसखान प्रेक्षागृह हरदोई में बैंकर्स द्वारा मुद्रा लोन के संबंध में कैंप लगाया गया है। ये मुद्रा लोन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये इस फाइनेंशियल ईयर का पहला कैंप है। गत वर्ष भी 3-4 कैंप लगाए जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 700 लोगों ने अप्लाई किया था और 60% लोगों को जो है मुद्रा लोन सैंक्शन किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे युवा बेरोजगार हैं और रोजगार करना चाहते हैं, उनको सहायता प्रदान करना, जिससे अपना स्वरोजगार शुरू करें और अपना आर्थिक विकास करें। सर, ये हम लोग मुद्रा मेले का आवेदन किए हैं, आयोजन किए हैं, जिसमें कि अधिक से अधिक जो हरदोई जनपद के लोग हैं, जो कि जिनके पास कोई गारंटर नहीं है या जिनका कोई सहारा नहीं है, उसको जो है वो अपने आय का एक साधन उपार्जित कर सकें और अपने आय को वृद्धि करके अपने जीवनचर्या को बढ़िया से बढ़िया कर सकें, इसी के लिए मुद्रा लोन का हम लोगों ने आयोजन किया है डीएम साहब के निर्देश पर। ऐसा हमने पिछले साल भी 7 मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें मोर देन 700 एप्लीकेशन आए थे और उसमें से हम लोगों ने 60% से ऊपर का सैंक्शन उसमें दिया था। बाकी जिनका सिविल ख़राब था या कहीं के डिफाल्टर थे, वो इसमें अपात्र माने जाते हैं। साथ में इसमें मुद्रा में ज्वेलरी कवर नहीं है, ज्वेलरी के लिए तमाम लोग आ रहे हैं, ज्वेलरी हमारा मुद्रा लोन में कवर नहीं है, इसलिए ज्वेलर्स के लिए नहीं है ये स्कीम जो है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।